नए मंत्रियों के साथ सात लोक कल्याण मार्ग पर चाय पर बैठेंगे और उसके बाद 7 बजे राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में वो सभी शपथ लेंगे। कुल ये तकरीबन 90 मिनट का कार्यक्रम रखा गया है। नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस दौरान मोदी के साथ कई सांसद और कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। जो भारत समाचार के पास लिस्ट है उसके मुताबिक कुल 42 लोग इस बार शपथ लेंगे। पिछली बार 45 लोगों ने शपथ लिया था। शपथ से पहले नरेंद्र मोदी राजघाट, अटल समाधि स्थल और नेशनल वार मेमोरियल भी गए। एक रिपोर्ट देखिए आप। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। ३० मई २०१९ शाम 7 बजे ये तारीख और ये वक्त दर्ज होने जा रहा है इतिहास के पन्नों में, जब दसों दिशाओं को साक्षी मानकर दिग दिगंतर के सामने विश्व का सबसे शक्तिशाली नायक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है। इन दो तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। पहली तस्वीर है 2014 की, जब देश ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा करके उन्हें प्रधानमंत्री बनाया और मोदी ने पहली बार शपथ ली, और दूसरी तरफ है इंतजार के लम्हे। जैसे ही आज का सूरज डूबेगा वैसे ही देश की उम्मीदों के अनंत आकाश पर नए भास्कर का उदय होगा और गरीब माँ का बेटा, भारत माँ का सपूत दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ शपथ लेगा। देश की जनता ने भरोसा करके बता दिया है कि उन्हें नरेंद्र मोदी ही पसंद हैं। देश विदेश के 8,000 मेहमानों की मौजूदगी में, देश के नवनिर्वाचित सांसदों और कई प्रदेशों के नेताओं की उपस्थिति में नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर देश की सियासत के शिखर पुरुष बनने तक की मोदी की कहानी में संघर्ष, त्याग और मेहनत के कई किस्से हैं जो मोदी की शख्सियत को बताते हैं। आज जब मोदी दोबारा पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं तो एक तरफ देश को उनसे तमाम आशाएं हैं, तो खुद मोदी भी इस अहम जिम्मेदारी को संभालने से पहले अपने अंदर ऊर्जा के संचार और मजबूती के लिए राष्ट्रपिता गांधी, राजनीति के राष्ट्र संत अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करने पहुंचे। सबके मन में ये सवाल है कि मोदी के साथ कौन कौन मंत्री बनेगा, कौन शपथ लेगा। अपनी अपनी अटकलें हैं, अपने अपने अंदाजे। जैसे जैसे वक्त बीतेगा मंत्रिमंडल की धुंधली तस्वीर भी साफ हो जाएगी और देश के अगले 5 साल के लिए देश के नवनिर्माण और न्यू इंडिया का जिम्मा नरेंद्र मोदी के कंधों पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो अब से थोड़ी देर बाद ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सभी मिनिस्टर्स के साथ सात लोक कल्याण मार्ग पर उन सभी लोगों को चाय पर बुलाया, उनके साथ चाय पियेंगे और फिर 7 बजे शपथ ग्रहण लेंगे। सबसे बड़ी कवरेज है, देखिए, राजनाथ सिंह लखनऊ से हैं मंत्री नंबर 2, स्मृति ईरानी अमेठी से जीत के आ रही हैं, वीके सिंह ये गाजियाबाद से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत कर आए हैं, पिछली बार भी मंत्री थे और इस बार भी वो मंत्री होंगे। ये तीन बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश से, बारी बारी से हम आपको दिखा रहे हैं। महेश शर्मा, संजीव बालियान, साध्वी निरंजन ज्योति, संतोष गंगवार, सुब्रत पाठक, इन्होंने डिंपल यादव को हराया है कन्नौज में। अनुप्रिया पटेल अपना दल एस से है, सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी से। तो आप ये देख रहे हैं 9 बड़े चेहरे हैं जो उत्तर प्रदेश से शाम 7 बजे शपथ लेंगे। ये सभी दूसरी बार शपथ लेंगे। सुब्रत पाठक इसमें से एक ऐसे हैं जो पहली बार लेंगे। संजीव बालियान पहले मंत्री थे, बाद में इन्हें हटा दिया गया। साध्वी निरंजन ज्योति अभी भी केंद्र में मंत्री हैं। अनुप्रिया पटेल अभी भी मंत्री हैं। महेश शर्मा संस्कृति मंत्री की जिम्मेदारी अभी भी निभा रहे हैं, लेकिन आज से उनका कार्यकाल दूसरा हो जाएगा। संतोष गंगवार भी अभी मंत्री हैं।
लेकिन आज से उनका कार्यकाल दूसरा शुरू हो जाएगा। उनको क्या जिम्मेदारी मिलती है ये भारत समाचार आपको सबसे पहले बताएगा। शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में एक बड़ा आयोजन किया गया है। तकरीबन 7,000 से ज्यादा मेहमान आएंगे, देश से विदेश से, तमाम बॉलीवुड से, खेल जगत से सभी को बुलाया गया है और पश्चिम बंगाल से उन लोगों को भी बुलाया गया है जिनके अपने घर वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। इन सारे लोगों को बुलाया गया है और हमारे भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हमारे दर्शक आपके थ्रू यही जानना चाहते हैं कि 2014 से कितना अलग होगा 2019 का शपथ ग्रहण समारोह। देखिए राहुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुझे लगता है कि ये भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे बड़ा शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है क्योंकि राष्ट्रपति भवन में इससे पहले इतने बड़े भव्य समारोह में जहां 14 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, स्टेट हेड, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इन्वाइट किया गया है, गवर्नर्स इन्वाइट किए गए हैं और 8,000 से ज्यादा पूरे देश भर में विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में, तो भारत के लोकतंत्र के इतिहास में शायद ये सबसे बड़ा शपथ ग्रहण का आयोजन राष्ट्रपति भवन द्वारा किया जा रहा है। और मुख्य तौर पर इस आयोजन के पीछे का मकसद दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जी, उसको प्रारंभिक तौर पर दिखाने का प्रयास है। इसीलिए पूरे देश भर से हर वर्ग, हर समाज, हर तरह के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है ताकि इस समारोह को एक बहुत भव्य रूप प्रदान किया जा सके। चूंकि आप 2014 में भी वहां थे और इस बार 2019 में भी है, यानी पहली बार भी आपने देश के प्रधानमंत्री मोदी को साक्षात शपथ लेते देखा और दूसरी बार भी, तो अब दर्शक आपके थ्रू जानना ये चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से कितने मंत्री मिलेंगे। देखिए, इस बार का शपथ ग्रहण समारोह राहुल बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे खुद भी नहीं याद कि इतना बड़ा कभी भव्य शपथ ग्रहण समारोह देश में कभी किसी प्रधानमंत्री के लिए हुआ हो। जिस व्यापक पैमाने पर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में तैयारियां हो रही हैं वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश से 10 से 11 मिनिस्टर्स बनाए जा सकते हैं जिसमें राजनाथ सिंह का नाम कन्फर्म है, स्मृति ईरानी बन सकती है, बनना कंफर्म है ऑलमोस्ट उनका, संतोष गंगवार को भी टेलीफोन जा चुका है, अनुप्रिया पटेल को भी टेलीफोन जा चुका है, मेजर जनरल वीके सिंह को भी फोन जा चुका है, वो भी मिनिस्टर बनाए जाएंगे, महेश शर्मा को मंत्री बनाया जाएगा। सुब्रत पाठक को लेकर अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि एक सुब्रत पाठक अभी खुद नहीं कुछ कह रहे हैं लेकिन एक माना जा रहा था कि सुब्रत पाठक को मंत्री बनाया जा सकता है लेकिन अभी सुब्रत पाठक को कोई कॉल आई नहीं है इसलिए अभी कुछ कंफर्म नहीं हो रहा कि उनको बनाया जाएगा अथवा नहीं, लेकिन ये आप मानकर चलिए साध्वी निरंजन ज्योति को भी मिनिस्टर बनाया जाएगा, उनको भी टेलीफोन कॉल आ गई है। मनोज सिन्हा को लेकर एक थोड़ी सी संशय की स्थिति है कि अभी उनको बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। एक वर्ग है जो कह रहा है कि अभी फिलहाल अगले कैबिनेट विस्तार तक मनोज सिन्हा को इंतजार भी करना पड़ सकता है, लेकिन मुख्य रूप से मेरा ये मानना है कि 10 मिनिस्टर उत्तर प्रदेश से शपथ ले सकते हैं। राहुल, आप कह रहे हैं कि बहुत भव्य आयोजन इस बार रखा गया है 2014 के मुकाबले, चूंकि 2014 में भी आप वहां थे लेकिन इस बार सहयोगी दलों में कटौती हुई है, अब एक एक उनके मंत्री बनाए जाएंगे जैसे कि शिवसेना, अपना दल की पिछली बार भी एक थे, जेडीयू, इन सभी के एक एक मंत्री शपथ लेंगे। देखिए, एक पॉलिसी बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने एक पॉलिसी बनाई है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन में हमें एक पॉलिसी अडॉप्ट करनी है। वो पॉलिसी है कि कोई भी घटक दल एनडीए का जो भी अलाइज है वो कितनी भी सीट जीत कराए हो उनको कैबिनेट पे एक ही बर्थ मिलेगी, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो एलजेपी हो, चाहे वो अपना दल जैसे भी हो जिनके पास 2 सीटें हैं, तो सभी पार्टनर्स को जो एनडीए के हैं उनको एक एक बर्थ फिलहाल मिलेगी। तो उसी कड़ी में अनुप्रिया पटेल को एक बर्थ मिलेगी, बट ये कंफर्म है कि अनुप्रिया पटेल को इस बार प्रमोट किया जाएगा, उनको इंडिपेंडेंट चार्ज भी हो सकता है या फिर कैबिनेट का हिस्सा भी अनुप्रिया हो सकती है। लेकिन इतना तय है राहुल कि उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरणों का, क्षेत्रीय समीकरणों का, पार्टी के प्रति लॉयलिटी का, इन सब और क्या परफॉर्मेंस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अभी किसकी रही है उसको बहुत ध्यान देकर तभी उत्तर प्रदेश में मंत्रिपरिषद के जो गठन मोदी जी कर रहे हैं अपना उसमें योगी को हिस्सेदारी मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी पूरी जानकारी दी। तो हमारे एडिटर इन चीफ वहीं पर मौजूद है और शाम 7 बजे भी वो मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ेंगे पीएम मोदी के शपथ ग्रहण से पहले यूपी बीजेपी के तमाम नेता, मंत्री और सांसद भी दिल्ली